823 रन खाते हैं और उसके बाद ये इंग्लैंड की दी हुई लीड को अपने अंदर ले लेते हैं। ये मैच था गोरू वर्सेस बहन के उनका मैच था, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच नहीं था। पाक वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड ने टेस्ट इतिहास का चौथा सर्वोच्च स्कोर बनाया। रूट एंड ब्रोक की पारी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झंडी। पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे, लेकिन उसकी गेंदबाजी काफी खराब रही और रूट तथा ब्रोक ने शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को बहुत दिला दिया। इस पहले टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 267 रनों से बढ़त दी थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 7 विकेट खोकर 823 रन बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड ने इसके साथ ही टेस्ट विकेट के इतिहास का चौथा सर्वोच्च इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 317 रन बनाए उनके साथ, जो रूट ने बखूबी निभाया। रूट ने 262 रनों की पारी खेली। रूट और ब्रूक की शानदार पारी से इंग्लैंड ने टेस्ट में क्रांतिकारी रचा दी और रिकॉर्ड आपको बता दें, पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे, लेकिन उसकी गेंदबाजी काफी खराब रही। रूट तथा ब्रूक की शानदार पारी खेले गए इंग्लैंड को बढ़त दिला दी। पहले टेस्ट में चौथे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 267 रनों की बढ़त बना ली थी। इस दौरान ब्रूक ने अपने कैरियर का पहला 3 शतक जड़ा। ब्रूक एक पारी में 300 से अधिक रन बनाने वाले छठे इंग्लैंड बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड अगर पाकिस्तान के खिलाफ बढ़त लेने में सफल रहा तो उसका सबसे बड़ा श्रेय ब्रूक और रूट की साझेदारी को जाता है। पाकिस्तान के बड़े स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने एक समय अपने 3 विकेट 249 रन पर गवा दिए थे, लेकिन इसके बाद रूट और ब्रूक ने अपने चट्टान की तरह क्रीज पर जमा लिए। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 454 रनों की साझेदारी की। यह टेस्ट में किसी भी विकेट के लिए की गई चौथी सबसे बड़ी और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। ब्रूक ने इसके साथ ही खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 34 साल में वह एक स्वरूप में इंग्लैंड के लिए 3 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ब्रूक पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह कारनामा 1954 में डेनिस कॉम्पटन ने किया था, जिन्होंने ट्रम्प ब्रिज में 278 रनों की पारी खेली थी। वहीं इंग्लैंड के लिए 34 साल के बाद बल्लेबाज ने टेस्ट के 3 शतक जड़ा है। ब्रूक से पहले यह कारनामा इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम बूज ने किया था, उन्होंने 1990 में भारत के खिलाफ 333 रन बनाए थे। आपको बता दें, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान ने अपने ही घर में फ्लैट पिच का इस्तेमाल किया था और उनको इसलिए बनाया था ताकि ये सीरीज हम जीत जाए, और इसका पूरा पूरा फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाज और इंग्लैंड के बॉलरों ने उठाया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ये टेस्ट मैच हराया। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो प्लीज सजा के लिए हो जाए तैयार, फटाफट वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।